हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं बहुत ही इजी एंड ब्यूटीफुल डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए बहुत ही आसान है बनाने में। देखिए ये डिजाइन सिर्फ 12 रोज का डिजाइन है। आप कई 12 रो रिपीट करते जाना है 1 से 12 रो तक ही। देखिए इस डिजाइन को आप लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, बेबी कार्डिगन, ब्लैंकेट, फ्रॉक, जैकेट किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हो। देखिए बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। देखिए रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है इस डिजाइन का। आपको देखिए रॉन्ग साइड पर आपको सीधा पे सीधा, उल्टा पे उल्टा करके पूरी रो कंप्लीट करना है। देखिए इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 16+7 एज स्टिच में फंदा लेना होगा। मल्टीपल ऑफ 16+7। देखिए ये डिजाइन आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। रो वन आपको राइट साइड से स्टार्ट करते जाना है। देखिए इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 16 1 टाइम 16+7 एक्स्ट्रा स्टिच करके टोटल 23 फंदा डाला है। देखिए रो वन स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। रो वन राइट साइड फर्स्ट में देखिए एज स्टिच आपको स्लिप करना है, फिर धागा आगे करके आप एक फंदा उल्टा बुनना है। अब देखिए दो फंदा को छोड़कर अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे करना है। फर्स्ट में देखिए इस तीन फंदा को देखिए, इस तीन फंदा में आपको थर्ड स्टिच आपको दो फंदा के ऊपर से पास ओवर करना है से। फिर दो फंदा में आपको एक फंदा सीधा, फिर बीच में एन ओवर, फिर से एक फंदा सीधा बनना है। देखिए इस एक आने के बाद आपको धागा आगे करके आप दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच। अब यहाँ पर आपको देखिए इस तीन फंदा को, अब ये तीन फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। अब देखिए एन ओवर, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करके आपको एन ओवर करना है, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। अब आपके यही रिपीट करना है। देखिए इस दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। देखिए तीन फंदा आपको थर्ड स्टिच आपको पास ओवर करके बीच के दो फंदे में आपको एक सीधा, एक एन ओवर, एक सीधा बुनना है, फिर दो फंदा उल्टा, फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, फिर तीन फंदा का एक फंदा बनाना है, फिर बीच में एन ओवर, एक फंदा सीधा, एन ओवर, फिर लास्ट में दो फंदा उल्टा। देखिए एक ही बार रिपीट हुआ है। फिर लास्ट में आपको देखिए एक दो तीन चार पांच फंदा बचेगा। इस पांच फंदा को क्या करना है, देखिए धागा पीछे करना है। ये तीन फंदा देखिए, इस तीन फंदा में आपको थर्ड स्टिच आपको पास ओवर करना है से। फिर ये दो फंदा में आपको एक फंदा सीधा, बीच में एन ओवर, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, फिर धागा आगे करके लास्ट में आपको एक फंदा उल्टा बुनना है, एज स्टिच आपको सीधा बुनना है। अब देखिए रो टू रॉन्ग साइड आपको सीधा पे सीधा, उल्टा पे उल्टा करना है। देखिए कैसे करना है, एज स्टिच स्लिप करना है, फिर देखिए धागा पीछे करके सीधा फंदा सीधा। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे, देखिए उल्टा फंदा उल्टा बुनना है, सीधा फंदा सीधा। देखिए एक फंदा उल्टा, एन ओवर दो सॉरी ये तीन, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे करके देखिए अब दो फंदा सीधा, और फिर धागा आगे एन ओवर एक ये दो, फिर से एन ओवर तीन ये चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे दो फंदा सीधा, धागा आगे, फिर देखिए एक एन ओवर दो ये तीन, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, एज स्टिच उल्टा। देखिए रो टू रॉन्ग साइड पर मैंने सीधा पे सीधा, उल्टा पे उल्टा करके कंप्लीट कर लिया है। अब रो थ्री राइट साइड एज स्टिच स्लिप करना है, फिर देखिए अब यहाँ पर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बुनना है।
अब धागा पीछे। अब देखिए, अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। फर्स्ट में धागा पीछे रखना है, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो। अब धागा पीछे, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। अब यहाँ पर आपको देखिए इस तीन फंदा को, एक दो तीन, इस तीन फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। अब देखिए एन ओवर, एक फंदा सीधा, फिर से एन ओवर, फिर से एक फंदा सीधा बुना है। अब धागा आगे करके दो फंदा उल्टा, एक दो। अब आपको ये रिपीट करना है, देखिए दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, तीन फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर तीन फंदा का एक फंदा बनाना है, एन ओवर, एक फंदा सीधा, एन ओवर, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा। देखिए एक ही डिजाइन कंप्लीट हुआ है। फिर लास्ट में आपको पांच फंदा बचेगा, क्या करना है देखिए, धागा पीछे करना है, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा एडजस्टेड सीधा। अब देखिए रो टू, सॉरी रो फोर, रॉन्ग साइड, सीधा पे सीधा, उल्टा पे उल्टा करना है, एडजस्टेड स्लिप करना है, धागा पीछे, देखिए सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा उल्टा। देखिए रो फोर भी कंप्लीट कर लिया है। अब रो फाइव राइट साइड, एज स्टेज स्लिप करना है। फिर देखिए अब यहाँ से आपको धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बुनना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे। फर्स्ट में देखिए तीन फंदा को क्या करना है, एक थर्ड स्टेज पास ओवर करना है, फिर बीच में एक फंदा सीधा, एन ओवर, एक फंदा सीधा करना है। अब देखिए धागा आगे करके दो फंदा उल्टा, अब धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब देखिए तीन फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की सर से। अब देखिए एन ओवर, एक फंदा सीधा, फिर से एन ओवर, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे करके दो फंदा उल्टा, एक दो। आपको ये रिपीट करना है, देखिए आप दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। देखिए तीन फंदा, सॉरी थर्ड स्टेज पास ओवर करना है, फिर बीच में दो फंदा में एक सीधा, एन ओवर, एक सीधा बुनना है, फिर दो फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, दो का एक करना है, सर तीन फंदा का एक फंदा बनाना है, एन ओवर, एक फंदा सीधा, एन ओवर, फिर दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा। देखिए एक ही बार रिपीट हुआ है। फिर लास्ट में पांच फंदा बचेगा धागा पीछे। पांच फंदा में आपको देखिए थर्ड स्टेज पास ओवर करना है, फिर दो फंदा में एक सीधा, एन ओवर, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर एज स्टेज सीधा बुनना है। अब देखिए रो सिक्स, रॉन्ग साइड, सीधा पे सीधा, उल्टा पे उल्टा करना है। रो सिक्स कंप्लीट कर लिया है। रो सेवन राइट साइड,
एज स्टे स्लिप करना है, फिर देखिए धागा आगे एक फंदा उल्टा बुनना है। अब ये दो फंदा को छोड़कर अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है धागा पीछे। फर्स्ट में देखिए तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे दो फंदा सीधा, एक दो। अब यहाँ पर आपको देखिए तीन फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। अब देखिए एन ओवर करना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर से एन ओवर। अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो। अब आपको ये रिपीट करना है, देखिए दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए देखिए आपको रिपीट करना है, तीन फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, तीन फंदा का एक फंदा बनाना है एन ओवर, एक फंदा सीधा एन ओवर, तीन फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा। फिर देखिए लास्ट में आपको पांच फंदा बचेगा, धागा पीछे तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा एज इट इज सीधा। अब देखिए रो एट रॉन्ग साइड आपको सीधा पे सीधा उल्टा पे उल्टा करना है। रो एट कंप्लीट कर लिया है, रो नाइन राइट साइड। एज स्टेज स्लिप करना है, फिर देखिए धागा आगे एक फंदा उल्टा। अब ये दो फंदों को छोड़कर अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है धागा पीछे। फर्स्ट में देखिए तीन फंदा, देखिए सॉरी थर्ड स्टेज आपको दो फंदा के ऊपर से पास ओवर करना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर एन ओवर, एक फंदा सीधा करना है। अब यहाँ पर आपको देखिए धागा आगे करके दो फंदा उल्टा, एक दो। अब धागा पीछे एक फंदा सीधा। अब देखिए तीन फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। देखिए तीन फंदा को एक फंदा बनाया है, फिर एन ओवर करना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर से एन ओवर, अब चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, धागा आगे अब दो फंदा उल्टा, एक दो। आपको यही रिपीट करना है, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक, सॉरी दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। आपको रिपीट करना है, थर्ड स्टेज पास ओवर करना है, फिर एक फंदा सीधा एन ओवर, एक फंदा सीधा करना है, फिर दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन फंदा का एक फंदा बनाना है एन ओवर, एक फंदा सीधा एन ओवर, चार फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा। अब देखिए लास्ट में आपको पांच फंदा बचेगा, धागा पीछे करना है, तीन फंदा को देखिए थर्ड स्टेज को पास ओवर करना है, एक फंदा सीधा एन ओवर, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब देखिए रो टेन रॉन्ग साइड आपको सीधा पे सीधा उल्टा पे उल्टा करना है। रो टेन कंप्लीट कर लिया है, रो इलेवन राइट साइड। देखिए एज स्टेज स्लिप करना है, फिर देखिए धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनना है। अब ये दो फंदों को छोड़कर अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है धागा पीछे। फर्स्ट में देखिए तीन फंदा सीधा सॉरी एक दो तीन, अब धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक, अब धागा पीछे। अब यहाँ पर आपको देखिए तीन फंदा का एक फंदा बनाना है। इस
से तीन फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर एन ओवर एक फंदा सीधा, एन ओवर और पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। अब धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो। अब आपको रिपीट करना है, देखिए दो फंदा को छोड़कर है से है तक आपको रिपीट करना है। तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, दो फंदा उल्टा, तीन फंदा का एक फंदा बनाना है, एन ओवर एक फंदा सीधा, एन ओवर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो फंदा उल्टा। देखिए एक ही बार रिपीट हुआ है, फिर लास्ट में आपको पांच फंदा बचेगा। तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। अब देखिए रो 12 रॉन्ग साइड, लास्ट रो आपको सीधा पे सीधा उल्टा पे उल्टा करना है। देखिए रो 12 में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, आपको 1 से 12 रो तक ही रिपीट करते जाना है। फिर से यहाँ से आपको रो 1 से स्टार्ट करना है राइट साइड से। देखिए देखिए फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।